उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में थाना दिनेशपुर अंतर्गत वार्ड नंबर 9 में कुछ दिन पूर्व अज्ञात चोरों द्वारा चंदन की लकड़ी की चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ कर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। पूर्व में भी चंदन की लकड़ी चोरी में जेल जा चुके हैं। विमल राय पुत्र मनोरंजन राय वार्ड नंबर नौ थाना दिनेशपुर जनपद उधम सिंह नगर ने सूचना दी कि उनके आवास के पास स्थित तालाब के किनारे लगे एक चंदन के पेड़ को रात्रि में अज्ञात चोर काट कर ले गए हैं। विमल राय की तहरीर पर थाना हाजा पर FIR नंबर 209/23 धारा 389 IPC व 4/10 उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम बनाम अज्ञात चोर पंजीकृत कर विवेचना अपर उपनिरीक्षक संतोष उप्रेती के सुपुर्द की गई। ये तीन लोग बाहर गए थे। अच्छा, तो पेड़ काट रहे कौन? वही लोग काट रहे थे, तुम काट रहे थे? ना, मैं पेड़ नहीं काटता, वो लोग ही जानते हैं और मेरे पास पैसा भी था। अच्छा, तो पेड़ कौन काट रहे थे? वो लोग काट रहे थे, तुम काटे पहले? पेड़ के बारे में मुझे कोई सूचना नहीं है, मगर ये है कि वो लोग मेरे पैसे भी छीन लिए, मुझे मारा भी, फिर मैं बचने के लिए भागा भी। ये वार्ड नंबर 9 के विमल राय जी हैं। विमल राय पुत्र मनोरंजन राय निवासी वार्ड नंबर 9 थाना दिनेशपुर जनपद उधम सिंह नगर। इनके द्वारा दिनांक 14/11/2023 को एक तहरीरी सूचना दी गई कि दीपावली के दिन 12/11/2023 11 और 12 की रात्रि में अज्ञात चोरों ने इनके चंदन की लकड़ी के जो एक वृक्ष था उसे काट के चोरी कर ले गए हैं। क्योंकि मामला चंदन की लकड़ी से था तो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा तत्काल हमें निर्देशित किया गया और थाने पर एक टीम गठित करने के लिए निर्देशित किया गया, जिस पर हमारी टीम गठित की गई, जिसमें अपर जो है हमारे उपनिरीक्षक संतोष उप्रेती द्वारा उसकी लीड किया गया तथा सारे जो CC कैमरे हैं और अन्य जो सूचनाएं संकलन की जाती है वो सूचनाएं के संकलन किया गया। और ये एक गिरोह जो पूर्व में भी चंदन की लकड़ी की चोरी में वो लकड़ी की तस्करी में UP और उत्तराखंड में वारदात कर चुका है, तो इस गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, उसके एक सदस्य को हमने पकड़ लिया है। और जो पकड़ा गया है अभियुक्त, तो उसका नाम है कमल ढाली उर्फ कोमल ढाली पुत्र स्वर्गीय किशन ढाली निवासी ये सूरज फार्म अशोक नगर ओझा थाना बिलासपुर जिला उधम सिंह नगर का रहने वाला है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।